खुद चूमेगी तुम्हारे कदम। बस जीत का मजबूत इरादा करो, जीत के मजबूत इरादे को। आज के इस तृतीय हाफ मैराथन दौड़ में उपस्थित हमारे युवा खेल एवं मंत्री आदरणीय उमेश पटेल जी, यहाँ के विधायक सम्मानित विकास उपाध्याय जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष शारदा वर्मा जी, यहाँ की ये युवा दौड़ चले हैं अपनी मंजिल की ओर। विशाल युवाओं का जन समूह, एक स्वस्थ छत्तीसगढ़ का प्रतीक। आप सब हाथ उठाकर माननीय मंत्री जी का अभिवादन करते हुए अपने लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़े। आपके दोनों हाथ, एक हाथ कम से कम उठाए, मंच पर उपस्थित अतिथियों का अभिवादन करते हुए अपने लक्ष्य की ओर निरंतर कदम दर कदम बढ़ते जाए। आशीर्वाद रखे, सांसों पर नियंत्रण रखे। अद्भुत नजारा, युवा शक्ति का प्रतीक आसमान में उपस्थित, उसे खूबसूरत गुब्बारे द्वारा जो प्रचार प्रसार किया गया है उसके कारण ये संभव हो पाया। और खेल विभाग के सभी अधिकारियों को, कर्मचारियों को मैं बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने काफ़ी मेहनत की। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि जो जीतने वाले उनके लिए क्या उत्साहवर्धक, क्या कुछ इस बार जो सरकार उनके लिए करी है, मैराथन दौड़ उनके द्वारा किया जा रहा है?
देखिए जीत बहुत बड़ा अपने आप में उत्साह होता है, उसके लिए कितना प्राइज है वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, लेकिन जीत जो मिलेगी क्योंकि उनको मीडिया में जगह मिलेगी, उनको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, तो मुझे ये लगता है कि जीत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जितना प्राइज मिलता है वो उतना इम्पोर्टेंट सर है, वो लो रहे भी कोई चलो इतनी बड़ी आयोजन है इससे बड़ी दो अगली बार देखने कोशिश यही रहेगी कि अगले बार इससे भी ज़्यादा हो, लेकिन मैं मीडिया के मेरे सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा उनके द्वारा जो प्रचार प्रसार किया गया उसी कारण से इस बार रिकॉर्ड 31,000 का रजिस्ट्रेशन हुआ है और ये छत्तीसगढ़ में पहली बार हुआ कितना ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हुआ, तो आप लोगों को सबसे पहले धन्यवाद और खेल के खेल विभाग में जितने अधिकारी हैं उनको बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने एक इनाम की राशि भी बहुत बड़ी है, अगली बार और उत्साहित करने के लिए इससे ज़्यादा इनाम की कोशिश करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि हम लोगों की कोशिश ये है कि पूरे प्रदेश में एक माहौल बने और ख़ासकर रिमोट एरियाज में ज़्यादा वो माहौल बनता है, इसलिए हम लोग तो खेल विभाग के अलग अलग कार्यक्रम हैं, चाहे वो खेल युवा उत्सव हो चाहे हम उसको अलग अलग जगह पे आयोजन करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वहाँ माहौल विदेशी धावकों को देखिए मंच में पूरे छत्तीसगढ़ के हमारे जो चेहरे हैं स्पोर्ट्स को लेकर सभा उन सबको मंच तो हम सबको अच्छा लगता है कि छत्तीसगढ़ के जो खेल जगत के हमारे चेहरे हैं वो उनकी सबसे उपस्थिति रही और इसमें ये आयोजन सबके लिए किसी विदेशी भी आए बिल्कुल बिल्कुल सबके लिए इसको ओपन रखा गया, इसमें कोई भी आ सकता है और जो अजय बहुत ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हुआ है उससे भी उसके लिए बीमारी सब यहाँ पर ये अभी तक छत्तीसगढ़ के लोग इसमें टॉप नहीं आ पाए, तो उसके लिए क्या प्रयास करेंगे, क्या उसके लिए भी व्यवस्था की जाएगी कि आने वाले दिनों में कम से कम यहाँ के लोगों को मौका मिले कि टॉप में आ पाए, आयोजन तो अच्छा है अच्छी बात है। देखिए उम्मीद तो यही करूँगा कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के लोग इसमें आगे बढ़े और फिजिकल फिटनेस और उनका अच्छा हो और जितना आगे बढ़ सकते उतना अच्छा। ठीक है, थैंक्स। चलो चलो बहुत अच्छा बहुत बढ़िया और गंगे बताएंगे बहुत आराम से आप लोग साथ लीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। 1, 2, 3 बहुत आराम से इनके ये रेस प्रारंभ हुई है, हमारे बीच सबांजुम जो अंतर देश के लिए सभी दौड़ते हुए और छत्तीसगढ़ शासन की इस योजना और देखिए ये सबांजुम नीता डोंगरे कलेक्टर साहब ये इन्होंने पूरी की दौड़ बसवा राजू साहब और ये सभी ने लगभग दौड़ पूरी कर ली है, संजय शर्मा जी और ये खेल मंत्री माननीय उमेश पटेल जी
इधर नहीं होंगे, कलर चेक करना, कलर चेक। ये देखिए एक लड़का है, इधर कोई खड़े नहीं होगा, फोटो फिनिश है। सर सर दादी हो गया।